प्रदेश के मुख्यमंत्री अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा भारतीय जनता पार्टी की स्थिति का पता इसी से चलता है कि उन्हें इंदौर में प्रत्याशी नहीं मिल रहा, विज्ञापन निकालकर प्रत्याशी का चयन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने एमपी में 22 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया और एयरपोर्ट से ही सीधी अजय सिंह राहुल के चुनाव प्रचार के लिए रवाना हो गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधी जिले में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के क्षेत्र में प्रचार के लिए जाते हुए हवाई जहाज से रीवा एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा इंदौर और भोपाल में अभी तक प्रत्याशी घोषित न कर पाने के सवाल पर कहा भारतीय जनता पार्टी की स्थिति का इसी से अंदाजा लगता है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए वह बकायदा विज्ञापन देकर प्रत्याशी खोज ले। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया इस बार हम प्रदेश में 22 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। वहीं पिछले दिनों रीवा प्रवास पर आए भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जिसमें उन्होंने कहा था प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चलाई गई योजनाओं को बंद कर रही है। शिवराज बताएं हमने कौन सी योजनाएं बंद की, सारी योजनाएं चल रही हैं। हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे, जो हमने कहा हम वह करेंगे। जवाब देने का समय देश के प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। बहुत अच्छी संभावना है, मध्य प्रदेश की जनता ठगी नहीं जाना चाहती। नहीं, पिछली बार 3 सीट थी, इस बार क्या आकलन है आपका, क्योंकि दौरे लगातार आप कर रहे हैं, क्या आकलन कर रहे हैं? हमारी 22 से ज्यादा सीटें आएंगी मध्य प्रदेश में। आज तो बीजेपी की हालत इतनी खस्ता है कि वह ना तो भोपाल में तय कर रही हैं, ना तो इंदौर में, वो तो उम्मीदवार ढूंढ रही हैं। विज्ञापन, मैं तो सलाह देता हूँ विज्ञापन निकाल लें और विज्ञापन के आधार पर इसकी चयन कर लें। एक के बाद एक बसपा के नेता आप पे एंट्री घोटाला बदले की भावना कितनी संभावना बताई जा रही है? देखिए, आज जो भी अन्य पार्टी के हैं वो सच्चाई के साथ है, वो सच्चाई जो तस्वीर है, जो चित्र है इनके सामने, सही बात है, चित्र जो है ये सच्चाई का साथ दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आप उनकी चलाई हुई योजनाओं को बंद कर रहे हैं। कौन सी योजना बंद करी है? जो मैंने तो कोई योजना बंद नहीं करी। अब शिवराज सिंह जी ये भी कहने लग जाएंगे कि जो हमने योजना करी है कि कर्जा माफ भी वो कर रहे हैं। आज कर्जा माफ जहाँ तक की बात है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, वचन बंद है कि हम हर किसान का कर्जा 2 लाख रुपए तक माफ करेंगे। अभी तक लगभग 22 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। विधान लोकसभा के चुनाव आ गए, आचार संहिता आ गई, इसमें रोक रखावट है, पर जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं आचार संहिता खत्म होती है, हम मध्य प्रदेश के हर किसान का कर्जा 2 लाख रुपए तक का माफ करेंगे। केवल डिफॉल्टर्स का ही नहीं, पर जिनके चालू खाते हैं। देश भर में आपदा आई और मध्य प्रदेश के साथ भी हमने सौतेला व्यवहार किया है, मैं समझ नहीं। ये अभी जो आपदा आई बारिश और तूफान से गुजरात में राहत दी है, अब प्रधानमंत्री का क्या दृष्टिकोण है, क्या नजरिया है, वो खुद जाने, देश की जनता पहचाने। आज प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, और आज जनता इंतजार कर रही है कि वो जवाब दे, हिसाब दे, और ये विभिन्न बातों में जनता का ध्यान मोड़ने की, गुमराह करने की राजनीति का प्रयास है।